A very good morning to all of you. Today, myself, Shivam Jaiswal, standing for you all to teach a very interesting topic, that is the Taliban-Afghanistan issues, which comes under international relations. आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे तालिबान अफगानिस्तान इश्यूज कहते हैं. तो ये क्या है? एंड दिस इज हाईली पोलराइज्ड, हाईली कंसर्न सब्जेक्ट, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया सोवरेनिटी, इंडिया सिक्योरिटी. ओके, बट बिफोर वी गोइंग टू डिस्कस द तालिबान अफगानिस्तान इशू, देयर इज नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द अफगानिस्तान, द हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान. कभी कोई मैटर से डील करने से पहले हमें उसके बारे में जानना चाहिए. ये मैं नहीं, चाणक्य की नीति कहती है. अर्थशास्त्र कभी मौका मिले तो पढ़िए. अफगानिस्तान समथिंग आई विल गोइंग टू शो. ओके, यू कीप इट माइंड. दिस इज इंडिया, ओके, इंडिया. इसके बगल में है पाकिस्तान, लेकिन कभी भी अखंड भारत की बात होती है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान सब आता. फिर इसके बाद है अफगानिस्तान, इसके बगल में है ईरान, फिर है तुर्कमेनिस्तान, हियर कम्स उज्बेकिस्तान, फिर तजाकिस्तान, तजाकिस्तान. सो अफगानिस्तान इज सराउंडेड बाय पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान. सो हेंस पाकिस्तान इज कॉल्ड अ लैंड लॉक कंट्री. पाकिस्तान इज कॉल्ड अ लैंड लॉक कंट्री. हाउ? लैंड लॉक कंट्री वह होता है जिस जो कंट्री चारों तरफ से लैंड बाउंड्री से घिरा हुआ. लैंड लॉक कंट्री सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम फोर साइड. यू कैन सी अफगानिस्तान इज सराउंडेड बाय ईरान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान. वी आर गोइंग टू सी द हिस्ट्री. यू नो अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक कंट्री. फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री. सेकेंड, अफगानिस्तान इज नॉट द होमोजीनियस कंट्री, इट इज द हेट्रोजीनियस कंट्री. व्हाट इट मीन्स? अफगानिस्तान में कोई एक एथनिक ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप नहीं रहता. इट इज़ नॉट द होमोजीनियस कंट्री, इट इज़ द हेट्रोजीनियस कंट्री. इट मीन्स वॉट? अफगानिस्तान में कोई एक ट्राइबल्स, कोई एक एथनिक ग्रुप नहीं रहता. वहाँ पे ताजिक रहते हैं, हजारा रहते हैं, उज्बेक रहते हैं, पश्तून रहते हैं. सो देर आर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स एंड ट्राइबल ग्रुप्स विच एग्जिस्ट इन अफगानिस्तान, एंड ईच एथनिक ग्रुप्स हैव अ कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर्स फॉर ruling Afghanistan. So there is no, you know, relations, friendship between the different ethnic group. So therefore Afghanistan is a heterogeneous country, because here the Pashtuns are also living, the Tajik are also living, Uzbek is also living,
हजारा इज ऑल्सो लिविंग देयर, सम लिटिल बिट हिंदू, ओके. सो देयरफॉर इट इज नॉट होमोजीनियस बट इट इज अ हेट्रोजीनियस कंट्री. सो टू पॉइंट क्लियर, लैंडलॉक्ड, सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम फोर साइड, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान. हेट्रोजीनियस कंट्री बिकॉज डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स लिविंग, हजारा, उज्बेक, पश्तून, हजारा, पश्तून, उज्बेक, ओके ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट, यू नो इफ यू गोइंग टू सी द हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान यू नो इट इज रूल्ड बाय वेरियस फॉरेनर. अगर इसकी हिस्ट्री को देखें तो इसको एक लोग रूल नहीं किया अफगानिस्तान को, बहुत सारे फॉरेनर्स ने रूल किया, जैसे डैरिस, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, फिर महमूद गजनी. सो इफ यू गोइंग टू सी द डोमिनेंस यू नो इन अफगानिस्तान, इट इज मेनली यू नो रूल्ड बाय वेरियस फॉरेनर सच एज डैरिस, अलेक्जेंडर द ग्रेट, महमूद, लेटर वील गोइंग टू सी USSR, दिस USA, ओके. बट वन थिंग इज श्योर, नो वन इज एबल टू डोमिनेंस ओवर अफगानिस्तान. एक बात श्योर है कि कोई भी अपना रूल इस्टेब्लिश नहीं कर पाया. इसके पीछे क्या कारण है? USSR आया, उसके ट्रूप्स को वापस जाना पड़ा. USA आया रिसेंटली, उनके ट्रूप्स को भी वापस जाना पड़ा. उसी तरह डैरिस आए, अलेक्जेंडर आए, महमूद गजनी आए. तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज यू नो व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रूल अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को रूल करना इतना कठिन क्यों है? फर्स्ट रीज़न इज ज्योग्राफिकल रीज़न. फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल रीज़न. पहला ज्योग्राफिकल रीज़न है, ओके. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट, व्हाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू रूल अफगानिस्तान? तो इसके पीछे एक ज्योग्राफिकल रीज़न है, लेटर वी आर गोइंग टू सी, बट जस्ट we are understanding the you know basic introduction about Afghanistan. It is a landlocked country, it is the homogeneous country, and there is a dominance, there is a rule on Afghanistan for a longer period of time, and the mainly the foreigners ruled over Afghanistan such as Taras, Alexander the Great, Mahmud Ghazni, later Soviet Russia, USSR, then recently USA. But one point is sure, that no one is able to succeed on dominance over Afghanistan. Let's discuss the reason. The first reason is geographical reason. Geographical reason, it means what? Agar Afghanistan ko dekhoge, to yahan se ek Hindu Kush mountain guzarta hai. हिंदू कुश माउंटेन, और ये माउंटेन इतनी ऊंचाई पे है, यही तो हमारा माउंट एवरेस्ट आगे बनता है. हिंदू कुश माउंटेन यू नो स्टार्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान एंड एक्सटेंडेड टू म्यांमार, ठीक है. तो कुल नियर अबाउट 5 कंट्रीज से होते हुए शायद गुजरती है. तो ये इसका जो हिंदू कुश माउंटेन का शुरुआत अफगानिस्तान से लेकर एक्सटेंडेड टू म्यांमार, और ये हिंदू कुश माउंटेन जो है
वो मेली क्या है, अगर मेली अगर यहाँ पे फॉरेनर रूल आता है तो यहाँ पे रह रहे लोगों को हटाएगा, तो या मेली वो पाकिस्तान जाएंगे या इधर जाएंगे तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, लेकिन ऐसा नहीं होता था। उन लोग हिंदू कुश माउंटेन कुछ पाकिस्तान में कुछ हिंदू कुश माउंटेन में जाके छिप जाते थे, और वो हिंदू कुश माउंटेन इतनी ऊंची ऊंची थी कि जिसको पहचान पाना वहाँ पे बम गिराना मुश्किल था। तो पहला सपोर्ट तो हिंदू कुश माउंटेन था उनका, जो यहाँ पे एथनिक ग्रुप्स थे मेनली जो हजारा उज्बेक पश्तून, पश्तून इज मेजॉरिटी इन अफगानिस्तान, पश्तून जो है वो अफगानिस्तान में मेजॉरिटी में है। तो कभी भी फॉरेनर रूल्स आता था तो मेनली कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में शरण लेते थे, कुछ लोग हिंदू कुश माउंटेन साइड था। और जब भी जो इनके ग्रुप्स थे सच एज हजारा, अगर हम लोग ग्रुप देखें तो डिफरेंट एथनिक ग्रुप, वेट अ मिनट, उज्बेक हजारा पश्तून ताजिक, सो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स लिविंग इन अफगानिस्तान। सो whenever there is a foreigner rule over Afghanistan, तो मेली इनको जो था हटना पड़ता था। तो पश्तूंस मेली रिसाइड होते थे पाकिस्तान में, कुछ ये सब पाकिस्तान में कुछ तजाकिस्तान में जाके छिप जाते थे, कुछ हिंदू कुछ माउंटेन में जाके छिप जाते थे। और जब भी इनको मौका मिलता था तो ये सब ग्रुप इस माउंटेन कुछ तरफ जाके इधर आके अटैक करते, फिर इधर से जब रिएक्शन होता है तो जाके छिप जाते हिंदू कुश माउंटेन की तरफ। तो एक ज्योग्राफिकल सपोर्ट इनको मिलता था। द फर्स्ट रीजन बिहाइंड व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू रूल ओवर अफगानिस्तान, फर्स्ट ज्योग्राफिकल रीजन, तो वहाँ का ज्योग्राफी इन सभी को सपोर्ट करता था। और मेनली ये जो फॉरेनर्स थे, ये तो फॉरेनर्स थे मेनली, उनको ज्योग्राफिकल एरियाज के बारे में जो जहाँ पे जो बंदा रहता है वहाँ पे उसको अधिक नॉलेज होता है। तो मेनली ये सब उज्बेक हजारा पश्तून ताजिक्स ये सब किस तरह ज्योग्राफी को यूज़ करना है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम था। और सेकेंड रीज़न था कि वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू रूल अफगानिस्तान इज़ लैक ऑफ कनेक्टिविटी। जिस पे यूएसए ने काम करना चाहा बट ही इज फेल्ड। तो अफगानिस्तान में कोई रोड ही नहीं है मेनली, आज तो कुछ है लेकिन अगर इस समय की बात करें कि क्यों डिफिकल्ट होता है अफगानिस्तान को रूल करना, तो मेनली वहाँ पे देर इज़ नो लैक ऑफ कनेक्टिविटी, मीन्स नो रोड नो हाईवे। सो किसी भी देश को रूल करने के लिए मुझे फॉरेन अगर मिलिट्री को भेजना है तो देर वी नीड अ यू नो कनेक्टिविटी, रोड हाईवे। सो लैक ऑफ कनेक्टिविटी इज द सेकेंड रीजन बिहाइंड व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू रूल ओवर अफगानिस्तान। द फर्स्ट रीजन इज ज्योग्राफिकल रीजन, दैट इज हिंदू कुश माउंटेन सपोर्टेड दीज ग्रुप्स टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेनर रूलर, एंड सेकेंड इज लैक ऑफ कनेक्टिविटी। थर्ड रीजन Third reason is what? Why is it difficult to rule over Afghanistan? One reason can be, देखो ये उज्बेक हजारा पश्तून ताजिक इन सभी में भी यूनिटी नहीं थी।
तो कोई एक लीडर नहीं था। सभी लोग ना गोरिल्ला वॉर सुने होंगे, एकदम गोरिल्ला की तरह एकदम गोरिल्ला वॉर सुने होंगे, तो मेनली ये लोग लॉन्च करते थे, ये इसके तरफ मान लो उचपैक इधर से अटैक किया, हजारास ताजिक पश्तूंस, तो मेनली यहाँ पे जैसे अगर यूएसएसआर यूएसए रूल कर रहा है तो उनको बड़ा डिफिकल्ट होता था कि कोई लीडर नहीं है जिससे हम जाके बात करें, उससे हमको हराएं, पर लीडर ही नहीं है। तो एक इन लोग गोरिल्ला वॉर करने बहुत सक्सेसफुल हुए। तो ये होता है, एक और रीज़न हो सकता है कि देर इज नो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कैन बी रीज़न, नो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक यूनिटी ना होना भी एक पावर था इनका, क्योंकि अगर इसमें यूनिटी होता और एक लीडर होता, तो कोई लीडरशिप होता तो फॉरेनर इस यूएसएसआर यूएसए से टॉक करके इन सभी को शांत कर देता। लेकिन देर इज नो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट इज अ थर्ड रीजन व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू रूल ओवर अफगानिस्तान। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे इंडिया में ही अगर यूनिटी नहीं होगी तो क्या मोदी सरकार रूल कर पाएंगे? डिफिकल्ट टू रूल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इफ देर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन्स, हिंदू वॉन्ट्स द हिंदू रिलीजन, मुस्लिम वॉन्ट्स मुस्लिम रिलीजन्स, जैन वॉन्ट्स द जैन यू नो रूलर, जैन किंग्स, सो इफ डिफरेंट रिलीजन्स वॉन्ट डिफरेंट यू नो किंग, सो हाउ इज इट डिफिकल्ट टू रूल? नो, सो दैट इज द बेसिक रीजन, नो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सो दैट इज वाई अफगानिस्तान इज डिफिकल्ट टू रूल। ओके, सो वॉट कैन बी द मोर रीजन why is it difficult to rule over Afghanistan, why USSR you know faced many difficulty in ruling Afghanistan? There is also one reason. What is? That is Cold War. कोल्ड वॉर समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 18th-19th century की बात है, मतलब उसी समय की, जब इंडिया पे अंग्रेजों का कब्जा था, तो उस समय यूएसएसआर और मेनली जो ब्रिटेन पावर था बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पावर मानी जाती थी, और दोनों ही पैर पसार रहे थे, बोथ आर अडॉप्टिंग द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। तो होता क्या इसमें कि आप एरिया को फैलाना चाहते हो, जो आज उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान ये सब यूएसएसआर का पार्ट था, तो यहाँ पे मेनली इंडिया में अगर देखें तो ब्रिटिशर्स का कब्जा था और इधर जो था रशिया का था, तो ब्रिटिशर्स ना दे वर फियरिंग दैट दी रशिया कैन यू नो स्प्रेड देयर टेरिटरी, वो फैला सकता है और हमारे तक आ सकता है, सो हमें अब इंडिया को रूल करने में दिक्कत हो सकता है। रशिया को लगता था कि इंडिया जो है, इंडिया में जो ब्रिटिशर पावर है वो मेनली अफगानिस्तान की ओर से रशिया में भी आ सकते हैं, तो उन लोग भी दोनों को आपस में एक दूसरे में मिस गाइडेंस क्या बोले, मेनली यही रीज़न ही था कि इनका जो था कि जो रसिया है वो अपना पैर ना पसारे, और रसिया का था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ना आए। तो इसमें क्या हुआ, रसिया ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, ठीक। जब ब्रिटिशर इंग्लैंड ने देखा कि रसिया ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, और तब लगा कि नहीं इन्हें हटाना चाहिए, तब इस ब्रिटिश इंग्लैंड का सपोर्ट किया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक। तो उस समय अफगानिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुआ
जिसका नाम था मुजाहिदीन। मुजाहिदीन, और ये मुजाहिदीन ग्रुप को सपोर्ट किया और इसको फंडिंग किया, फंडेड एंड सपोर्टेड इकोनॉमिकली मुजाहिदीन, फंडेड एंड सपोर्टेड इकोनॉमिकली मिलिट्रली बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड एंड मैनी मोर यूरोपियन पावर। तो ये मुजाहिदीन को फंड किया, मुजाहिदीन को फंड दिया, मिलिट्री पावर दिया, तोप दिया, बारूद दिया, ताकि इस मुजाहिदीन से, ये जो मुजाहिदीन है वो रसिया के ट्रूप से लड़ सके। सो कोई यूएसए आगे कोई लड़ा नहीं था, यूएसए ने मिलिट्री सपोर्ट दिया, बम दिया, बारूद दिया, मनी दिया मुजाहिदीन ग्रुप को, ताकि वो रसिया के अगेंस्ट लड़ सके। सो इट इज़ द पॉलिटिकल वॉर सपोर्टेड बाय मैनी मोर यूरोपियन कंट्री, बट द पीपल लिविंग इन अफगानिस्तान दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द रशिया। And finally, the Russia was defeated and USSR broke, you know, broke into different Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, और बन गया USSR से Russia। पहले USSR काफ़ी बड़ा था, फिर हो गया Russia। तो मेनली ये मेनली रीज़न था, ठीक है। लेकिन जब ये कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स था तो उस समय, मुझे डेट, मैं टाइम नहीं बता रहा हूँ कि किस टाइम में हुआ, मेरे को उतना श्योरिटी नहीं है क्योंकि उतना डेट क्लियर नहीं है, बट ये पूरा रीज़न है कि मुजाहिदीन एक ऑर्गेनाइजेशन ही है जो मेले उसके अगेंस्ट लड़ा, लेकिन एक और था एंड दैट वॉज मुजाहिदीन ऑल्सो सपोर्टेड बाय अलकायदा। भाई स्पेलिंग गलत होगा तो माफ कर देना, अलकायदा, अलकायदा, अलकायदा। एंड दिस अलकायदा वॉज फाउंडेड बाय वन जेंटलमैन नेम ओसामा बिन लादेन। Who was Osama bin Laden? Initially, he was a gentleman residing in Saudi Arab. And he came from Saudi Arab to Afghanistan, established Al-Qaeda group. And this Al-Qaeda supported Mujahideen to fight against the Russia who have captured Afghanistan. And this Mujahideen Al-Qaeda funded and supported by these country, they Mujahideen supported Al-Qaeda succeeded in this war against the Russia. And the Russian troops withdraw the Afghanistan. So pehla haar hua Afghanistan, pehla haar hua Russia ka yahan pe, okay? तो यहाँ पे रशियन ट्रूप्स को विड्रॉल करना पड़ा, अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा, ओके? सो मेनली आपको समझाना चाहिए, मुजाहिदीन ग्रुप फंडेड एंड सपोर्टेड बाय यूरोपियन पावर्स सच एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड टू फाइट अगेंस्ट द रशियन ट्रूप्स, एंड दिस ग्रुप इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय अलकायदा, हु Al-Qaeda is also the terrorist organization founded by the Osama bin Laden. Okay? Wait a minute. Just
1 point. ओके सो आई होप अप टू हियर इट इज बीन क्लियर. नाउ देर इज नो डोमिनेंस ऑफ फॉरेन पावर. नाउ दिस हैज बिकम इंडिपेंडेंट अफगानिस्तान. बट ताजिक लीडर हियर तजाकिस्तान, द ताजिक लीडर अहमद शाह मसूद, ही कैप्चर्ड काबुल एंड एस्टैब्लिश तालिबान. एक्चुअली तालिबान मीन्स इन ताजिक लैंग्वेज यू नो स्टूडेंट, सो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट तालिबान. So this Kabul was captured by Ahmad Shah Massoud. I will tell you later classes how he able to you know succeed in capturing the Kabul. Okay, Ahmad Shah Massoud captured Kabul and established the Taliban government in Kabul. Okay, and these two mainly Al-Qaeda and Al-Qaeda and Mujahideen were under the Taliban government. Okay? Next comes the just I will going to talk what are the reason behind that India do not have a friendly relation between Taliban and you know India. What are the reason why India do not have a friendly relations with Taliban? तो मसूद अहमद तालिबान काबुल पर कब्जा कर चुका है, उसके अंदर मेनली अलकायदा मुजाहिदीन काम करते हैं एंड बोथ आर टेररिस्ट ग्रुप. वी नो दिस अलकायदा वॉज फाउंडेड बाय उसामा बिन लादेन. आई विल टॉक यू जस्ट बट बिफोर वन डाउट आई वॉन्ट टू सॉल्व कि इंडिया और अफगानिस्तान में अच्छे रिलेशंस क्यों नहीं है, अच्छे रिलेशंस क्यों नहीं है. तो उसको डिस्कस किया जाए कि वाई देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड तालिबान. What is the reason? इंडिया एंड तालिबान. क्यों कॉन्फ्लिक्ट रहता है? फर्स्ट रीजन, इफ यू हैव गॉन थ्रू द हिस्ट्री इन अफगानिस्तान देर वॉज अ यूएन यूनेस्को हेरिटेज साइट There is a UNESCO heritage site named as
बुद्धिस्ट टेम्पल। बम्बियान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, बम्बियान यू नो टेम्पल विच इज द बुद्धिस्ट टेम्पल, देयर इज अ स्टैच्यू ऑफ बुद्ध एंड इट इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट विच वॉज बॉम्ब्ड बाय द तालिबान। जब तालिबान का कब्जा है 1996 to 2001, तो उस समय बम्बियान एक बुद्धिस्ट टेम्पल अफगानिस्तान में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको तालिबानियों ने ध्वस्त कर दिया। क्यों? तालिबान यू नो इट इज़ अ रिलीजियस ग्रुप, ओके, एंड मेनली लेड बाय, इफ यू सी द तालिबान दे वर द डिफरेंट पश्तून इन इट, एक्चुअली दे वर द मेजॉरिटी। तो तालिबान जो थे मेनली वो जो बुद्धिस्ट बम्बियान जो टेम्पल था बुद्धिस्ट टेम्पल उसको ध्वस्त कर दिए, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान में कोई और रिलीजियस ग्रुप का एक भी स्टैच्यू हो, बिकॉज दे वर ऑर्थोडॉक्स, दे वर रिलीजियस, सो दे डू नॉट अलाउ अदर रिलीजियस टू बी इनसाइड द अफगानिस्तान। दैट इज अ बेसिक रीजन दे बॉम्ब्ड बम्बियान बुद्धिस्ट टेम्पल विच वॉज द वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट। So here India objected, and this is the first reason why there is always conflict between India and Taliban. अच्छा relations नहीं है, और Taliban एक terrorist group है। Second reason, अगर नाजीम government का Hitler भी देखते हैं तो वो Jews को identify करने के लिए yellow color का ribbon बोला था पहनने के लिए, ठीक। यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्हें बोला कि यू शुड वियर सम यू नो आइडेंटिफाइबल साइन बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई दैट यू आर नॉन मुस्लिम। तो तालिबान ने यहाँ पे जब आया तो वो जो नॉन मुस्लिम को बोला कि आप एक ऐसा साइन पहनो जिससे आप आइडेंटिफाइड हो कि आप नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम नहीं हो। सो दिस इज द बेसिक रीजन, क्यों इसके पीछे क्या रीजन था, सो दैट दे यू नो सो दैट दे आर डिस्क्रिमिनेटेड, उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ इट, जो तालिबान है उसे डिस्क्रिमिनेट कर सके, जिस तरह हिटलर ने नाजी जूस के साथ मेनली किया था येलो, तो ताकि ईजिली उन्हें नॉन मुस्लिम्स को पहचाने जा सके और उन्हें डिस्क्रिमिनेट करें। सो दैट इज़ अ सेकेंड रीजन वाई इंडिया एंड द तालिबान डू नॉट हैव अ गुड रिलेशंस। नेक्स्ट कम्स थर्ड रीजन इज, इफ यू हैव रिमेंबर IC 8 14 एयर इंडिया एयर इंडियन प्लेन Air Indian plane अगर हम लोग याद करें तो नियर अबाउट 2001 में IC 814 एयर इंडियन प्लेन काठमांडू से यू नो हवाई भरा था, वहाँ से उड़ने वाले थे, वहाँ से इंडिया आने वाला था, नेपाल से इंडिया में, लेकिन तालिबानी काठमांडू से इस IC 814 एयर लाइंस को एयर इंडियन प्लेन को हाईजेक कर लिया, और हाईजेक करके मेनली इसको जो है पहले ले गए अमृतसर, फिर अमृतसर से ले गए सऊदी अरब में, सऊदी अरब में रिफ्यूलिंग किया इसका, फिर ले गया कांधार, जो कांधार है मेनली वो जो तालिबान का ही अफगानिस्तान में है कांधार है, तो
मेले यहाँ कांधार है, ये कांधार है काबुल। सो मेले जो कांधार था मेले यहाँ पे इस IC-84 एयर इंडियंस प्लेन्स को लेकर यहाँ पे रखे। फिर उसके बाद हुआ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और तालिबान के बीच में डील, ठीक है। तो डील क्या हुआ कि आप हमारे पर जो टेररिस्ट आपने बोला है उसको रिलीज करेंगे, बट हियर द डिप्लोमेसी ऑफ द अजीत डोभाल बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी डिप्लोमेसी अगर आप सीख लेंगे तो काफ़ी दुनिया में तरक्की कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़ी डिप्लोमेसी के साथ तीन टेररिस्ट को मनवाया और वहाँ से बोला कि मैं तीन टेररिस्ट को रिलीज करूँगा। द फर्स्ट मौलाना मसूद अजहर, लेटर ही फाउंड द जैसे मोहम्मद हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर उरी पुलवामा पार्लियामेंट एंड ऑल अदर दिस अटैक। यू नो जो मेनली थर्ड रीज़न है कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों रहता है इंडिया और तालिबान के बीच में, तो 2001 में IC-84 इंडियंस प्लेन्स को काठमांडू से हाईजेक करके अमृतसर से सऊदी अरब में रिफ्यूलिंग, फिर कांधार ला गया। वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और तालिबान के बीच में डील हुआ, देर वॉज अ डील साइन बिटवीन द तालिबान एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तालिबान यू नो हैड आस्क्ड टू रिलीज 12 टेररिस्ट, बट इंडिया द डिप्लोमेट्स ऑफ इंडिया मेनली डोनाल्ड रमान सिंह रॉन्ग अजीत डोभाल ही सक्सेसिव डिप्लोमेसी एंड यू नो उन्होंने ये बोला कि मैं तीन मेली टेररिस्ट को छोड़ूंगा। फर्स्ट इज मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर विद लेटर ही फाउंड दी जैसद मोहम्मद एंड द नेक्स्ट इज द मुश्ताक जरगर एंड थर्ड इज उमर शरीफ। दीज थ्री टेररिस्ट मेनली दे वर रिलीज फ्रॉम द जेल ऑफ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मेनली एट दैट टाइम इफ यू सी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम वेन दिस हाईजेक वॉज टेकन प्लेस, ओके। एंड यू नो डिप्लोमेसी हैड टेकन प्लेस बिटवीन द तालिबान एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज थ्री टेररिस्ट नोन एज सच एज मेनली द मौलाना मसूद अजहर, उमर शरीफ एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट मुश्ताक जरगर। If I am wrong in pronunciating, forgive me, okay? So, these three mainly terrorists, they were released from the jail of government of India. And ताकि airlines में जितने भी hostage बैठे हैं उन्हें छुड़ा सकें और जितने passengers थे उन्हें ले आया गया। और माना जाता है कि एक passenger को मिले उन लोग जो था तालिबानियों ने मार दिया था। टेररिस्ट का क्या करना, उनके अंदर टेररिस्ट हुआ टेररिस्ट जिनके अंदर ह्यूमैनिज्म नहीं होता है मेनली वो अपने विल अपने खुद के कारण मतलब जो भी समझा जाए वो ह्यूमैनिज्म को मानते ही नहीं, वो मेनली उनके अंदर इंसानियत नहीं होती है, उनको जो करना होता है करते, दे आर द टेररिस्ट ओनली। तो मेनली ये थर्ड रीज़न क्यों इंडिया और तालिबान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट एक अच्छा नहीं माना गया, बट तालिबान का तो अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है, देर इज़ नो ऑप्शंस and there is need to talk there is need to have a deal there is need to have a you know talk with Taliban because India has invested many thing in this Afghanistan such as the Salma Dam, the parliament, the Mani Mohsen library and if I am not wrong Zerang highway, that is Dalaram Jairang highway, Zerang Dalaram highway which was from the Chabar port from the Iran to the Afghanistan, connecting from the Chabar port to Afghanistan, Zerang Dalaram highway. तो तालिबानियों से बात करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा बहुत सारा प्रोजेक्ट है अफगानिस्तान में और उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए तालिबान से बात करना पड़ेगा। लेकिन यू नो अगर एक बहुत ही लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक किसी टेररिस्ट ग्रुप से बात करें ये भी ठीक नहीं है। सो वी आर अडॉप्टिंग दी साइलेंस स्ट्रेटजी, हम लोग अभी देख रहे हैं कि क्या होता है, साइलेंस स्ट्रेटजी पे हम लोग का डिप्लोमेसी है कि अभी शांत रहते हैं, साइलेंस स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। तो मेनली थर्ड रीज़न है कि वाई देर इज ऑलवेज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिया एंड तालिबान, दे डू नॉट हैव द गुड रिलेशनशिप्स
मेनली द थ्री रीजन बम्बियाम दिस बुद्धिस्ट टेम्पल मेनली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था तालिबानियों के द्वारा, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्हें आइडेंटिफाइल्स साइन दिया गया ताकि उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाए। थर्ड है कि IC-84 का हाईजेक हुआ था, तो मेनली एक रिलेशनशिप तभी से अच्छा नहीं है। फिर लेटर द तालिबान यू नो दे रूल्ड इन अफगानिस्तान फ्रॉम 1996 टू 2001 एंड आफ्टर देर वॉज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो हाउ दिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इमर्ज्ड इन अफगानिस्तान, देर इज अ रीजन। ओके वेट अ मिनट, जस्ट आई विल गोइंग टू ड्रिंक वाटर। सो मेनली आई वॉज सेइंग दैट वॉट आर द रीजन और हाउ दिस तालिबान रूल ओवर थ्रोन फ्रॉम अफगानिस्तान बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। किस तरह तालिबान का रूल जो हुआ ख़त्म हुआ वहाँ पे, मेनली 1996 से 2001 तक ही उनका जो रूल रहा वो चला, इसके पीछे क्या रीज़न था। हमने उसामा बिन लादेन की बात की थी, हमने बोला कि इनिशियल ही वॉज अ जेंटलमैन। या ऑफकोर्स If you get chance to move to Saudi Arab, then there you can find the many mall of Taliban, many mall, the historical mall, the hotel of his name, Osama bin Laden, and he was the no, he belonged to a rich family. Kya reasons tha ki wo terrorist group establish kiya, mujhe nahi bata sakte hain, but ye reasons tha ki wo ek gentleman tha. Later he became a prudent and the hardened terrorist. The international terrorist, बहुत ही क्रूर आतंकवादी बना। कैसे? In October 9/11 attack, just I am discussing11 September 2001. This Al-Qaeda was founded by Osama bin Laden in Afghanistan. ठीक, तो September 11, 2001, Osama bin Laden. ठीक है, सऊदी अरब है, सुन्नी है, तो इसने 11 सितंबर 2001 को एक ऐसा काम किया जिससे इसका इतिहास से नाम या तो बन गया तो मिट गया, देखेंगे। इसने क्या किया, ही हाईजेक थ्री प्लेन विच वॉज कमिंग फ्रॉम द साउथ कोरिया, या वेट अ मिनट, फोर प्लेन वॉज हाईजेक बाय द अलकायदा ग्रुप हेडेड बाय द ओसामा बिन लादेन। फिर उसके बाद वो चार प्लेन को हाईजेक किया और चार प्लेन को भेजा अमेरिका में। दो प्लेन जो हुआ वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जो टावर था उसे डिमोलिश किया। आईफिल टावर की फ्रांस की बात नहीं कर रहे हैं, न्यूयॉर्क के टावर। एक पेंटागॉन पे जाके हिट किया। पेंटागॉन इज द डिफेंस एरिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक डिफेंस एरिया है जहाँ पे वो जाके तीसरा। और चौथा जो प्लेन हिट करने वाला था वो था व्हाइट हाउस, विच इज द ऑफिशियल रेजिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट वॉज अबाउट टू हिट बट लकली दिस प्लेन वॉज हिट करने वाला था
वो था व्हाइट हाउस विच इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इट वॉज अबाउट टू हिट बट लकली दिस प्लेन वॉज शॉट डाउन बाय द अमेरिकन डिफेंस सिस्टम. और उस समय के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, he was the president at that time, इन्होंने बोला कि जॉर्ज बुश ने एक मीडिया के सामने बोला कि soon we will going to launch war on terror. टेरर, आतंक पे हम लोग वॉर करेंगे और टेररिस्ट को हटा देंगे. वॉर ऑन टेररिस्ट. तो जॉर्ज बुश, अमेरिका ने बोला कि अमेरिका ने तालिबान से बात किया कि हैंड ओवर ओसामा बिन लादेन बिकॉज ही वॉज मेनली द यू नो कल्प्रिट ऑफ दिस अटैक 9/11. ओसामा बिन लादेन को हैंड ओवर कर दो वरना ठीक नहीं होगा. तो मेनली तालिबान ने रिफ्यूज़ कर दिया, आई विल नॉट हैंड ओवर ओसामा बिन लादेन. तो ये बात हुआ. तो उसने बोला ठीक है. मेनली जॉर्ज बुश ने अपने इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ICA एक वहाँ का जो सिक्रेटरी यू नो मेनली एक सीक्रेट एजेंसी है और इसको भेजा तालिबान में कि जाओ पता लगाओ कि ये जो ओसामा बिन लादेन है वो किस एरिया में है और किस तरह हम तालिबानियों को वहाँ से हटा सकते हैं. ठीक है. तो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो गई और 2001 में अक्टूबर सितंबर में वो अक्टूबर 2001 में पूरी अमेरिकन जो फोर्स था उसने वो तालिबान पे जाके हमला बोल दिया और तालिबानियों को इतना मारा ना कि तालिबानियों का पूरा गवर्नमेंट ही हट गया. वो एक साइड हो गया और वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का स्थापना हुआ जिसके सेकेंड प्रेसिडेंट अशरफ घनी थे. पहले एक और व्यक्ति थे जिनका नाम याद नहीं आ रहा बट लेटर आई विल टेल यू. तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप किया गया. तो ऐसा माना गया अमेरिका ने कि जो तालिबान वो अब ख़त्म हो गया बट यू नो पाकिस्तान उनको जो तालिबान थे उनको शरण दे रहा था, वो उनको पाल रहा था. बराक ओबामा व्हेन ही बिकेम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द ईयर वाज 2011 ओके. उस समय बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे और ओसामा बिन लादेन जो था सितंबर 2011 अक्टूबर 2011 की बात है. एक पाकिस्तान का एक जगह है जिसको कहते हैं बड़ा अबोताबाद इज इन पाकिस्तान एंड ओसामा बिन लादेन वॉज हाइडिंग देयर. ओसामा बिन लादेन वहाँ पे छिप रहा था मिली वो छिपा था वहाँ पे जाके जो अमेरिकन ट्रूप ने बॉम्बिंग किया पूरा डिस्ट्रक्शंस किया ओसामा बिन लादेन को उठाया मारा और समंदर में जाके फेंक दिया. ठीक. फिर 2008 से लेकर 2020 तक मिलिट्री ट्रूप वहाँ पे रही टू डिकेड 10-20 साल रहा और अभी रिसेंटली वहाँ पे विड्रॉल हो गया. तो जैसे ही विड्रॉल हुआ तालिबानियों ने फिर से कब्जा कर लिया. क्योंकि तालिबान कोई ख़त्म थोड़ी ना हुआ था वो पाकिस्तान, उसमें एक जो लीडर है तालिबान का
वो अभी जो प्रेसिडेंट बनेगा, और उसका नाम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुल्ला घनी ब्रदर बोला था, मुल्ला घनी ब्रदर, मुल्ला घनी ब्रदर, ही वॉज दी नो मेनली हेड ऑफ द तालिबान। कराची में इसको अरेस्ट किया गया था, और जब दोहा मेनली जो कतर की राजधानी है वहाँ पे तालिबान का पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है, वहाँ पे जाके जब फ्रांस ब्रिटेन दिस रसिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाके जब मीटिंग किए साथ में दोहा, एक टेररिस्ट मुल्ला ब्रदर के साथ, तो उनसे बोला कि एक मीटिंग हुआ और उनसे बोला कि आप तालिबान यूँ जो आप तालिबान जो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, आप अफगानिस्तान में पीस सिक्योरिटीज मेंटेन करेंगे, वहाँ पे वुमेंस के राइट को कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। एक अमेरिका जो हुआ एक वहाँ पे मीटिंग में ये पूरी बात हुआ, और ये एश्योरेंस जो लिया गया विद टॉक, कोई रिटर्न नहीं था अभी, तो मेले ये दोहा में जाके ये पूरा बात हुआ, जिसमें इंडिया जो है वो इंक्लूड नहीं था। इंडिया को मेली पाकिस्तान भी जो है तालिबान को मेली सपोर्ट करके वहाँ पे दोहा में टॉक हुआ, और उस टॉक में ये बातें हुआ कि आप जो है अफगानिस्तान में पीस सिक्योरिटीज मेंटेन करेंगे, अफगानिस्तान का वेलफेयर डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन वो वेलफेयर डेवलपमेंट क्या, वो अभी भी तालिबान जो है वो चेंज नहीं हुआ। तालिबान जो था दो तीन चीज़ सीख गया था, वो था डिप्लोमेसी, किस तरह हमें डिप्लोमेसी करनी है वो चीज़ सीख गया था, लेकिन वो शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग ही चलता था। तो मेले ये है, और इस पूरे में ये हुआ कि फाइनली विड्रॉल हुआ अमेरिका ट्रूप्स, और जो बाइडेन ने बहुत जल्दी किया था, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा बोला था कि सितंबर तक करना है, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी कर दिया, और कोई रिटर्न एश्योरेंस नहीं लिया, जिसके कारण तालिबानियों ने यहाँ पे कब्जा किया। पार्लियामेंट देख रहे हैं किस तरह हालत हो गया वहाँ के लोगों को खाने की कमी हो गई, हर चीज़ तहस नहस हो गया। तो ये शो करता है कि तालिबान दे डू नॉट हैव चेंज्ड, यू नो कोई बदलाव नहीं आया, बट एक चेंज क्या आया। अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट तालिबान हैड लर्न, सो दे हैड लर्न द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी इन द सेंस, अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके इंटरनेशनल लीडर के साथ बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स व्हाट, दे हैव लर्न द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी कैसे करनी है वो सीख चुके हैं, लेकिन क्या काम करना वो कर रहे हैं अफगानिस्तान में। शरीयत लॉ के गौर, वुमेन को कोई राइट नहीं, वुमेन्स नहीं पढ़ेंगी, पर्दा सिस्टम, ठीक है। तो मेनली दे हैड लर्न द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी, ठीक है। तो एक चीज़ श्योर है कि मेनली वो आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी सीखे, लेकिन वो शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग ही पूरे अफगानिस्तान को मिली रूल करेंगे। तो अगर इसमें हमने उसामा बिन लादेन को समझ लिया कि किस तरह वो अबोताबाद मारा गया बंदा, तो मेनली जो अगर रीज़न बताया जाता है कि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि मेनली जो अमेरिकन ट्रूप्स है वो क्यों विड्रॉल किया, तो इधर साउथ चाइना सी का जो मैटर था जिसमें चाइना अपना पैर पसार रहा था, भाई साउथ चाइना सी यू नो अगर महासागर की बात नहीं करें, सागर की बात करें, तो साउथ चाइना सी बड़ा माना जाता है, वहाँ पे यू नो फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रेड होना चाहिए, लेकिन साउथ चाइना सी उसमें रिस्ट्रिक्शंस कर रहा था। तो उसमें इंगेज होने के लिए बताया जाता है कि जो अफगानिस्तान के ट्रूप्स यहाँ से विड्रॉल किया, ताकि वो साउथ चाइना सी में जाके मिलिट्री हेल्प कर सके, वहाँ डिप्लोमेसी कर सके, पहला रीज़न ये बताया था। अब तालिबान का कब्जा हो चुका है, तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा हो चुका है, अफगानिस्तान में जो अशरफ घनी वो जा चुके हैं, अच्छा किए, ही वॉज अ लकी वन, नहीं तो वो मारे जाते बहुत ही, क्योंकि इससे पहले भी जब 1996 से 2001 में बीच में जो उनके पहले मिली जो लीडर थे उनको बहुत ही पत्थर बहुत मिली थी,
तो अशरफ गनी ही वॉज अ लक्की वन, लक्की पर्सन, ही एस्केप फ्रॉम द अफगानिस्तान, गुड पर्सन. तो मेनली जो तालिबान का कब्जा हो चुका है और अफगानिस्तान में हमारा बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है. और सेकेंड रीज़न ये बताया जाता है कि वाई शुड अमेरिका इन्वेस्ट मनी इन दी यू नो अफगानिस्तान. पहला रीज़न ये है कि साउथ चाइना सी में इन्वॉल्व होना चाहता था इसलिए विड्रॉल किया. सेकेंड है कि क्यों अमेरिका ही अफगानिस्तान के लिए फिक्र करेगा, उसके नेबरिंग कंट्री क्या कर रहा है. Why should America only invest military power, money, lots of trillion, million dollars? Why? Neighboring countries should invest in Afghanistan. तो उन्होंने बोला डोनाल्ड ट्रंप ने कि इंडिया क्या कर रहा है, क्या इंडिया, तो किसी मीडिया ने बोला कि उन्होंने लाइब्रेरी बनाई, क्या वो only constructing the library, it means what, who reads book in these days. उन्होंने बोले कि कोई मिलिट्री है दस लाइब्रेरी बनाने से क्या होता है, who reads books in these days, कौन पढ़ता है किताबें. Perhaps he might not read books, it doesn't mean that others don't read book, but he should understand that India has not only constructed library but parliament of अफगानिस्तान. सलमा डैम, नेक्स्ट इज ही वॉज कंस्ट्रक्टिंग दी देलाराम जैरंग देलाराम हाईवे कनेक्टिंग फ्रॉम चाबर पोर्ट टू अफगानिस्तान. सो हाउ कैन ही से दिस थिंग दैट इंडिया हैड ओनली कंस्ट्रक्टेड लाइब्रेरी एंड अकॉर्डिंग टू हिम ही सेड दैट हु रीड्स बुक इन दीज डेज. परहैप्स ही माइट नॉट रीड बुक, इट डजंट मीन दैट others don't read book. Okay? तो उनको एक चीज़ समझना चाहिए. तो तालिबान का कब्जा हो चुका है, अब इतना प्रोजेक्ट चल रहा है, तो क्या करना चाहिए, इंडिया को तालिबान से बात करना चाहिए? नहीं, हम लोग अभी स्ट्रेटेजी साइलेंस स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं. तालिबान से हमें एश्योरेंस लेना चाहिए, और वो उनके एक लीडर हैं और कह भी रहते हैं, मेनली वो जो उनके लीडर है मेनली इंडिया में ही पढ़ाई की है मिलिट्री स्कूल से, वहाँ पे अफगानिस्तान में मिलिट्री लीडर्स भी थे, आज तालिबान के लीडर है. तो तालिबान से हमें एश्योरेंस लेना चाहिए, जिस तरह चाइना ने ले चुका है उगर मुस्लिम, जो ताजिकिस्तान का एरिया जो कैप्चर किया है जिंगजियांग प्रोविंसेस, तो मेनली यहाँ पे उगर मुस्लिम्स को मेनली इन लोग बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायोलेशंस कर रहा है, लेकिन तालिबान इनको एश्योरेंस दे दिया कि मेनली हम अपना जो सॉयल है आपके अगेंस्ट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है. तो मेनली इंडिया को भी एश्योरेंस लेना चाहिए, लेकिन क्या इंडिया अगर बात करेगा अकेले तो तालिबान मान सकता है? क्या इंडिया को बात करना चाहिए यहाँ पर? नो. तो हम लोग कौन सी डिप्लोमेसी अपनाएंगे, अब वो डिप्लोमेसी थोड़ा समझिएगा. हम जो है अगर इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम ईरान को लें, इंडिया को लेते हैं, चाइना को लें और रसिया को लें, ये चारों को तालिबान से प्रॉब्लम है. ईरान इज अ सिया कंट्री, अफगानिस्तान इज सुन्नी, एंड देर इज अ नो फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन दी सिया एंड सुन्नी. इसके पीछे आप हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे, तो एक अच्छा रिलेशंस नहीं हो सकता. सेकंड, रसिया को भी खतरा है कि मेली वो अफगानिस्तान मेली जो है ये हमारे स्टेट्स के सोवरेनिटी सिक्योरिटी पे थ्रेट है. इंडिया का भी मेली बहुत सारा प्रोजेक्ट है, चाइना का उगर मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट है. अगर ये चारों मिलकर तालिबान को प्रेशराइज करें, प्रेशराइज करेंगे तो तालिबान जो है एश्योरेंस देगा कि आई विल नॉट यूज द सॉइल ऑफ अफगानिस्तान अगेंस्ट दिस कंट्री एंड आई विल अलाउ ऑल द इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान. चाइना जो है यहाँ पे बेल्ट रोड प्रोजेक्ट बना रहा है,
जो मेनली चाइना से लेकर यूरोप तक पीओके होते हुए जोड़ता है, चाबार से अफगानिस्तान में देलाराम जेरांग देलाराम हाईवे जो इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो मैनी मोर प्रोजेक्ट। तो ईरान रसिया इंडिया और चाइना जब मिलकर तालिबान से बात करेंगे तो वो मेरे लिए एक अच्छी डिप्लोमेसी कहलाएगी, अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट आई हैव रेड अबाउट। ओके, सो आई होप दिस टॉपिक इज बीइंग क्लियर टू यू। इट इज़ हाईली पोरस एंड कंसर्न टॉपिक। ठीक है, तालिबान का कब्जा हो चुका है और या तो हमारा यूएनएससी में भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी हेड है, अभी फिलहाल में हम लोग हेड बने हैं, तो मेनली इसमें भी इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि उसका हेड बनने का मतलब सभी कंट्रीज़ के जो मिलिट्री पावर का हेड होना, और मेनली हम तालिबान के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो या तो तालिबान हमको एश्योरेंस दे या तो हम लोग यूएनएससी से हेल्प से तालिबान को भी प्रेशराइज कर सकते हैं। हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगले साल मेरे हेड हैं, हम लोग हेड भी बन चुके हैं। तो मेनली ये चीज़ है, या तो हम लोग चार कंट्री इस पर प्रेशराइज करें, तो ये डिप्लोमेसी है मेरे लिए, ये हम लोग कह सकते हैं। तो पहला चीज़ है कि अमेरिका ने विड्रॉल क्यों किया, समझ गया क्यों अफगानिस्तान को रूल करना डिफ़िकल्ट होता है, हम लोग समझ गए। अफगानिस्तान इज़ कॉल्ड ग्रेवयार्ड एम्पायर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं टिक पाया, यूएसएसआर टिक नहीं पाया, क्योंकि ज्योग्राफिकल सपोर्ट कर रहा, लैक ऑफ कनेक्टिविटी है, नो यूनिटी डाइवर्सिटी है, बहुत सारा रीज़न है। यूएसएसआर और यूएसए तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करने का एक मेन रीज़न है कि मेले इस पर कभी रूल नहीं हो पाया, कंट्रोल नहीं हो पाया, क्योंकि अगर तुम पूरा वर्ल्ड मैप देखोगे तो ये चीज़ है सेंट्रल, यू नो सेंट्रल एशिया, इट कम्स यू नो इन दिस सेंटर। ठीक, ये भी रीज़न है, अगर सेंट्रल पावर बन जाएगा तो मेली इस पर हमेशा कब्जा था लेकिन कोई भी रूल नहीं कर पाया, तो मेली ये रीज़न है। लेकिन अगर तालिबान रियली तालिबान हैज़ चेंज्ड, नो तालिबान डो नॉट हैव चेंज, बट ही हैड नो लर्न द आर्ट ऑफ अ डिप्लोमेसी। मुझे ये नहीं समझ आता है कि हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, इतना कर रहे हैं, कभी कुछ बनना डिप्लोमेसी करना उतना हम लोग हाई लेवल पे नहीं करते हैं। इन लोग बंदूक के गन पे, ये सोचो कि बंदूक के गन पे, गोलियों पे इन लोग इंटरनेशनल पे इंटरनेशनल लीडर के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, एक डिप्लोमेसी कर रहे हैं, तो ये क्या है, डर का शक्ति है, डर है। तो हम लोग इतना पढ़ के अगर IFS इंडियन फॉरेन सर्विस करेंगे तब जाके थोड़ा डिप्लोमेसी होगा, इतना इन लोग गोलियों के दम पे, इन लोग का हेड क्वार्टर है दिस। अगर आपको कतर में कभी जाने का मिले तो वहाँ पे दोहा एक करके एक जगह है, दोहा राजधानी है, और वहाँ पे तालिबान का पॉलिटिकल हेड क्वार्टर है, वहाँ पे सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैठते हैं, आप जाके कभी देख सकते हैं, मुझे मौका मिले तो मैं खुद जाऊँ, और वहाँ पे इंटरनेशनल टॉक होता है। ठीक है, तो मेनली हमने डिप्लोमेसी ऑफ आर्ट सीख चुके हैं, तालिबान अभी भी शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, और USA विड्रॉल क्यों किया, देखिए साउथ चाइना सी में भी इन्वॉल्व होना चाहता है, क्यों लॉट्स ऑफ मनी इन्वेस्ट करेगा वो अफगानिस्तान पे, और अफगानिस्तान में अपने फोर्सेस को क्यों मरने देगा, उसका मेन एम था कि हम ओसामा बिन लादेन को जो मेनली इसके मेन कॉज है 9/11 का उसको मारें, तो मेनली वो उसमें सक्सेसफुल हुआ, तो इसलिए 3-4 रीजन्स था जिससे विड्रॉल किया। शुड इंडिया ट्रस्ट ऑन तालिबान, नो एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज ही इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑफकोर्स ही हैड कैप्चर द अफगानिस्तान, बट इट डजेंट मीन दैट वी शुड ट्रस्ट द तालिबान, स्टिल तालिबान हैज़ नॉट चेंज, बट ही हैड लर्न द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी, दैट इज़ वाई ही इज नो डूइंग टॉकिंग इन इंटरनेशनल इन ग्लोबली एट दोहा कतर हो गए, तो इसका मतलब कि उन्होंने डिप्लोमेसी सीख चुकी है, तभी तो बोल रहा है कि वहाँ पे बोला कि नहीं मैं वुमेंस को प्रोटेक्शन दूंगा, वुमेंस को ये दूंगा, फलान डेकान बोला, लेकिन ये है। ओके, सो आई होप आई हैव क्लियर योर मैनी डाउट्स, और सो अफगानिस्तान इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड एम्पायर, ग्रेवयार्ड एम्पायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर रूल कर पाना ही बड़ा मुश्किल है, बहुत सारा रीज़न हमने देखा है। ठीक है,
तो अगर एक तो कनेक्टिविटी, अगर यहाँ पे मेनली अमेरिका इस्टेब्लिश करना चाह रहा था, रिंग रोड बनाना चाह रहा था, इसमें यहाँ पे काबुल है, काबुल, कांधार, मजाए शरीफ एक यहाँ पे है, और मेनली एक और यहाँ पे सिटी है हैरत करके, हैरत, मजाए शरीफ, काबुल, कांधार, सबको कनेक्ट करके, ताकि हम फटाक से मिलिट्री यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ करें। लेकिन ये कभी भी रोड, जो रिंग रोड बन नहीं पाया, क्योंकि अमेरिका जो था यहाँ पे इराक में इन्वॉल्व था उस समय जब वहाँ पे रूल कर रहा था, और ये था सद्दाम हुसैन जो वहाँ पे मेनली डिक्टेटरशिप थे, सद्दाम हुसैन, तो उनके पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया था अमेरिका, जिसके कारण यहाँ पर रिंग रोड्स नहीं बना पाया, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी जो था वो लाना था। तो अफगानिस्तान, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नो, एक ऑनरेबल एग्जिट चाहता था कि वहाँ से इज्जत के साथ निकले, बट यू नो वी हैव सीन कि किस तरह वो डर कर भाग गया, ऐसा लगा। सो दैट इज़ वाई अफगानिस्तान इज़ कॉल्ड अ ग्रेवयार्ड एम्पायर। इसको कंट्रोल कर पाना अच्छे अच्छों की बात नहीं है और बड़े बड़ों की बात नहीं है, कोई नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ वहाँ पे सपोर्ट किया। तो आई होप यू अंडरस्टूड एंड आई गॉट एग्जॉस्टेड, ओके? सो इफ यू अंडरस्टूड, प्लीज़ प्रोवाइड अ लॉट्स ऑफ लव टू दिस चैनल, यू शेयर दिस टू योर फ्रेंड एंड गिव मी अ लॉट्स ऑफ लव, डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रोवाइड अ वैल्यूएबल कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स, एंड I will be answered to your comment. Thank you so much. Thank you so much for watching. Thank you. Thank you a lot. But one thing more. एक मैं एक सुन रहा था और काफ़ी अच्छा लगा कि आप ज़िंदगी में आपकी जो मुश्किलें हैं वो आप कंप्लेन मत करो गॉड से, इन मुश्किलों से कह दो कि मेरा जो खुदा है वो बड़ा है। कहते ना कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा। सो विद दिस आई होप यू अंडरस्टूड, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप डूइंग। थैंक यू सो मच।